मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कैनेडियन वजीर आजम और गवर्नर जनरल की शहरियों को थैंक्स गिविंग की मुबारकबाद। ट्रूडो का कहना था कि हमारे लिए कुर्बानियां देने वालों को सराहते हैं, हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। रूस के यूक्रेन पर हमलों से खौफ ज़दा हूँ। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि यूक्रेन के शहरियों पर रूस के मुसलसल हमलों से परेशान हूँ, रूस का रवैया काबले मजम्मत है। हैटी ने मुल्क में इंसानी बुहरान से निमटने के लिए कनाडा से मदद तलब कर ली। हुक्काम का कहना है कि कनाडा अमेरिका बुहरान के खात्मे के लिए एंटी गैंग स्ट्राइक फोर्स की क़यादत करे। अक्वामे मुत्तहिदा की सूरत हाल से निमटने के लिए बैनुल अक्वामे खुसूसी मुसल्लह फोर्स की तैनाती की अपील। रूस के यूक्रेन पर पै दर पै मिज़ाइल हमले। यूक्रेन में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। यूक्रेनी सदर का कहना है कि रूस यूक्रेन को सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है। रूसी मिज़ाइल हमलों के बाद अमरीकी और यूक्रेनी सदरों का फ़ोन पर रابطہ। मानसून में गैर मामूली ताखीर। शुमाली भारत में तबाहकुन बारिशों से 18 हलाकतें, फसलों को कटाई से ऐन कबल शदीद नुकसान। मुल्क में अशियाए खुर्दोनोश की शदीद महंगाई का खदशा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने पीर को थैंक्स गिविंग छुट्टी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और गवर्नमेंट जनरल मैरी साइमन ने पीर को थैंक्स गिविंग छुट्टी के दौरान फ्रंट लाइन वर्कर्स और दीगर लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि आज पूरे मुल्क में कैनेडियन अपने प्यारों के साथ थैंक्स गिविंग मनाने और पिछले साल की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा होंगे। थैंक्स गिविंग फसल की कटाई का मौसम मनाने का वक्त है। ये एक दूसरे के लिए वहाँ मौजूद होने और लोगों को पहचानने का मौका है जो हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाते हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि पिछले 2 सालों के दौरान लोगों ने एक दूसरे की पुश्त पनाही की है। जैसे ही हम वबाई मर्ज से सेहतयाब हो रहे हैं, हम उन लातात रजाकारों, फूड बैंकों और खैराती इदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद फराहम की। रोज़मर्रा के हीरोज़, सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों से लेकर कैनेडियन मुसल्ला अफवाज के अरकान और इंसानी इमदाद के कारकुनों तक, जो सब अपनी ज़िंदगी खदमत के लिए वक्फ करते हैं और हमारी दुनिया को बेहतर करने में मदद करते हैं। एक अलग बयान में कैनेडियन गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने कैनेडियन शहरियों से कहा कि आज एक लम्हा निकालकर उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जो हमारी फलाह बहबूद और हमारी कम्युनिटीज़ के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जिनमें फ्रंट लाइन वर्कर्स और पहले जवाब दहिंदगान से लेकर पड़ोसियों और अजीज़ो अक़ारिब शामिल हैं। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों की मजम्मत की है। इनका कहना है कि यूक्रेन की मुसलसल फौजी इमदाद जारी रखेंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन पर रूस के हालिया हमलों की मजम्मत की है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वह खौफजदा हैं जब मास्को ने पीर को यूक्रेन के मुतादिद शहरियों पर मोहलिक हमलों का सिलसिला शुरू किया। उनका कहना था कि मैं यूक्रेन के शहरियों पर रूस के मुसलसल हमलों से परेशान हूँ, ये रवैया काबिले मजम्मत है और ये सिर्फ हमारे अज़म को मजबूत करता है। ट्रूडो ने पीर को एक ट्वीट में लिखा, इन हमलों में यूक्रेन के दीगर शहरों के अलावा शहर के मरकज कीव को निशाना बनाया गया और कम अज़ कम 14 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक तकरीबन 100 मजीद जख्मी हुए। हम रूसी हुकूमत का मुहासबा करने और यूक्रेन की हिमायत करने के लिए पुरअज़म है, जबकि मुसलसल फौजी इमदाद भी जारी रखेंगे। ट्रूडो ने यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की। यूक्रेन के सदर के एक ट्वीट के मुताबिक अपनी गुफ्तगू के दौरान
जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने रूसी मिसाइल दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत G7 के रद्द अमल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूक्रेन को शहरियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए फिजाई ढाल की जरूरत है। कैरेबियन मुल्क हैटी ने मुल्क में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कैनेडा से मदद मांग ली। हैटी ने कैनेडा अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो बहरान के खात्मे के लिए एंटी गैंग स्ट्राइक फोर्स की क्यादत करें। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। कैरेबियन मुल्क हैटी ने मुल्क में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर कैनेडा से मदद मांग ली। हैटी ने कैनेडा अमरीका से मुतालबा किया है कि वो बहरान के खात्मे के लिए एंटी गैंग स्ट्राइक फोर्स की क्यादत करें। हैटी ने बढ़ते हुए इंसानी बहरान के दरमियान बैन अलाक्वामी बिरादरी से फौजी मदद की दरख्वास्त करने का फैसला किया है। हुकाम का कहना है कि मुल्क की अहम ईंधन की बंदरगाह की गैंग नाकाबंदी की वजह से शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कैनेडा की वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी रियासतों की तंजीम के 19 रुकन ममालिक हेटियों को मुल्क को दरपेश पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद करने के लिए पुरअज़म है। अमरीकी रियासतों की तंजीम के 19 रुकन ममालिक जो पेरो में इजलास कर रहे हैं ने मुश्तरका तौर पर हेटी के साथ यकजहती का आदा किया। बयान में कहा गया है कि वो ममालिक हेटियों को मुल्क को दरपेश पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद करने के लिए पुरअज़म है। पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत ने नकल व हमल को मफलूज कर दिया है और कारोबार और अस्पतालों को काम बंद करने पर मजबूर कर दिया है। सिर्फ मुल्क में हैजे की नई वबा फैलने का सामना है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने हैटी में इंसानी बहरान से निमटने के लिए बैन अलाक्वामी खसूसी मुसल्ला फोर्स की तैनाती की अपील की है। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दोजार्क ने एक बयान में कहा कि एंटोनियो गुतरेस हैटी की सूरत हाल पर फिक्रमंद है जो बयाकवा खराब सिक्योरिटी और हैजे की वबा का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसल को एक खत पेश किया जिसमें हैटी को सिक्योरिटी मदद में इजाफे की ऑप्शंस पर बात की गई। अक्वामे मुत्तहिदा के सरबरा ने हेटी के शराकत दारों पर भी जोर दिया कि वो इख्तलाफात से बालातर होकर जल्द पुरअमन और जामे मुज़ाकरात में शामिल हों। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुतअद्दिद शहर मिसाइल हमले से गूंज उठे और हर तरफ आग के शोले और अपनी जानों को बचाने के लिए महफूज मकाम की तलाश में भागते शहरी नजर आए। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत मुतअद्दिद शहर मिसाइल हमले से गूंज उठे और हर तरफ आग के शोले और अपनी जानों को बचाने के लिए महफूज मकाम की तलाश में भागते शहरी नजर आए। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर राबता किया। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपील की है कि आलमी बिरादरी वाज़े करे कि रूसी सदर प्यूतन के इकदामात नाकाबिल कबूल हैं। रूस के मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन का नए से ज़ायद हिस्सा तारीकी में डूब गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ऑफिस के साथ साथ तवानाई तनसीबात पर मिसाइल फायर किए गए हैं जिसके बाद मुल्क का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है। रूसी सदर व्लादिमीर प्यूतन ने तस्दीक की कि फौजियों ने यूक्रेनी तवानाई के ज़राए फौजी कंट्रोल और मवासलाती निज़ाम पर तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई दुरुस्त तरीके से अपने अहदाफ को निशाना बनाने वाले हथियारों के साथ हमला किया है। रूसी सदर ने मजीद कहा कि अगर हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले करने की मजीद कोशिशें की तो रूस और सख्ती से फौजी जवाब देगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से हफ्ते से शुरू होने वाला यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का सिलसिला मजीद तेज हो गया और गुज़िश्ता 24 घंटों में दर्जनों मिसाइल दागे गए। यूक्रेन का कहना है कि 7 शहरों में मिसाइल हमलों में मजमूई तौर पर 11 अफराद हलाक और 60 जख्मी हो गए। रूस ने दारुल हुकूमत कीव के अलावा 7 दीगर बड़े शहरों में मिसाइल हमले किए जहां हलाकतों की इत्तला है। ताहम आज़ाद ज़राए से तादाद की तस्दीक ना हो सकी है। अलबत्ता यूक्रेन ने 10 हलाकतों और 60 के जख्मी होने का दावा किया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंसें जाए बकवा पर जाते हुए देखी गई हैं। उधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस हमारी अमन की कोशिशों को मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब जहरियत से दे रहा है। ताज़ा मिसाइल हमले यूक्रेन को सफाई हस्ती से मिटाने के लिए हैं। अपना दिफा करना जानते हैं। आलमी बिरादरी इस जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को असलाह फराहम करें। ख्याल रहे कि रूस के यूक्रेन पर हमलों का आगाज रूस को क्रीमिया से मिलाने वाले क्रीच पुल के तबाह होने के बाद हुआ है। पुल पर धमाका खेज मवाद से भरा एक ट्रक फट गया था जिससे 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। शुमाली भारत में गैर मामूली ताखिर से आए हुए मूनसून ने तबाही मचा दी है। तबाहकुन बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 अफराद हलाक हो गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली भारत में गैर मामूली ताखिर से आए हुए मूनसून ने तबाही मचा दी है। तबाहकुन बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान
18 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारत की शुमाली रियासतों में तूफानी बारिशों के नतीजे में 18 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शदीद बारिश ने मौसम गर्मा में बोई जाने वाली अहम फसलों जैसे चावल, सोयाबीन, कपास, दालों और सब्जियों को फसल की कटाई से ऐन कबल शदीद नुकसान पहुंचा दिया है, जिससे एशिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत को अशियाई खुर्दनोश की शदीद महंगाई का सामना हो सकता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बरसात का मौसम आमतौर पर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सितंबर के वस्त से ख़त्म हो जाता है और इसे अक्टूबर के वस्त तक पूरे मुल्क में ख़त्म हो जाना चाहिए। माहौलियाती माहरीन का कहना है कि इस गैर मामूली बारिशी मौसम के पीछे मौसमियाती तब्दीली है। IMD के मुताबिक शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में इतवार को मामूल से 1293% ज़्यादा बारिश हुई और उत्तर प्रदेश में 22.5 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेक टीवी।